सबसे पहले तो यहाँ पहुंचे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान की किताब है, इसे बचाने की लड़ाई है। बस कुछ लोग मिलकर इसे खत्म कर देना चाहते हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच जाए, और बचेगा भी, क्योंकि जब एक बड़ी आबादी इसके साथ खड़ी है तो बचेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर को मैंने कई बार सुना, बड़ा अच्छा बोलते हैं, हम दलित हितैषी हैं, हम पिछड़ों के हितैषी हैं, सबका साथ सबका विकास, नारे बड़े अच्छे हैं और सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। अभी कह रहे थे सीएनआरसी पे चिल्ला चिल्ला कह रहे थे कि दलित ही आ रहे हैं वहां से, 70% दलित आ रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उनकी परवाह कर रहे हैं हम लोग। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में जो रह रहे हैं दलित पिछड़े आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी तो परवाह कर लो, इस मुल्क की तो परवाह कर लो, इनकी तो हो नहीं रही है। मैं एक आंकड़ा भी है मेरे पास, सरकारी आंकड़ा दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि जरूरत नहीं है, अभी देश का बहुजन समाज सरकार की दया पर रहे, अधिकारों की बात ना करे, कोई मौलिक अधिकार यहाँ नहीं है। और ऐसे सरकार बोल रहे, दोनों एक जैसी भाषा ना बोले, लोकतंत्र पे शक हो जाएगा। कि मुझे लगता है कि हमने ये संविधान पढ़ा है और भाजपा के लोग शायद मनुस्मृति की तरफ से देख रहे हैं सब चीजें, इसलिए आपको ये आंकड़े देने पड़ रहे हैं कि क्लास वन में एससी एसटी का रिजर्वेशन है 23%, और अभी तक जो इतने समय से रिजर्वेशन चल रहा है 5.5% पूरा हुआ है। हम पे आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े, लेकिन माननीय न्यायालय पे आंकड़े नहीं, तो उनके ऑर्डर आ गया हमारी तरफ। क्लास वन में ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, बैठता तो 52% है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा 92 में कि हमारे पास क्योंकि जनगणना नहीं हुई दोबारा, तो हमें जानकारी नहीं, गाय बिल्ली कुत्तों की हो जाएगी, सब लोगों की हो जाएगी, लेकिन ओबीसी की नहीं होगी जनगणना, अगर होगी तो देश विरोधी काम है ये, ऐसा सरकार कहती है। तो उनका 27% रिजर्वेशन बैठता, 4.5% अब तक पूरा हुआ, तो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं देंगे, नहीं बिल्कुल रिजर्वेशन उनपे तो पहले ही बैन कर देते, क्रीमी लेयर और प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं देंगे। माइनॉरिटी की 19% आबादी है, कुछ लोगों तो है ही नहीं है, लेकिन 1% रिजर्वेशन है अभी तक जो पूरा हुआ है, जो मिला अब इतना कुछ नहीं मिला, कौन से आंकड़े चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देंगे आंकड़े भी, प्रयास करेंगे कि गलतियां हो जाती, अब कैसे गलतियां होती ये भी बात मैं रखूंगा अभी आगे। सबसे पहले तो मेरी दरखास्त रहेगी, हमारे बहुत जिम्मेदार MP MLA हैं सभी गवर्नमेंट में पूरे देश के अंदर, तो अगर SC ST OBC के जो MP MLA उनसे दरखास्त है, उनको सुनेंगे भी से जरूर, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं मुझसे, कि आप बाबा साहब के संविधान और समाज के प्रति अगर आपने जरा से भी संवेदनाएं हो तो आप गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कि वो इस पर अध्यादेश लाए, ऑर्डिनेंस लाए और इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दे, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो जाए। हमारे अधिकारों की बात होगी तो न्यायिक हस्तक्षेप हमारे ऊपर ज्यादा होता है, तो आपसे निवेदन है अगर ऐसा नहीं कर पाते, सरकार आपकी बात नहीं मानती, तो उनके चेहरे भी उजागर हो जाते हैं, क्योंकि कितने हितैषी हैं दलित पिछड़े आदिवासियों के, मुसलमानों के, धार्मिक अल्पसंख्यकों के, और ऐसा नहीं करती हो तो आप दबाव बना के इस्तीफा भी दे सकते हैं, इससे भी आपका समाज के प्रति चेहरा उजागर होगा कि आप समाज से कितना प्रेम करते हैं। ये पहली रिक्वेस्ट है। दूसरी है केंद्र सरकार से भी आग्रह, क्योंकि केंद्र सरकार भी हमेशा से दलितों पिछड़ों आदिवासियों के साथ खड़ी रही, खूब मारा इन्हें, तो उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से सरकारी और प्राइवेट जो सेक्टर है उनमें पढ़ाई में, नियुक्ति में और प्रमोशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था जो है संख्या के आधार पर, जो सामाजिक न्याय का की मूल अवधारणा कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर लागू करें। अगर आप वास्तविकता में कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस पर चल रहे हैं, अगर आप मनुस्मृति के हिसाब चल रहे हैं तो आप बिल्कुल ना करें, फिर हम लोग सड़क से कराएंगे आपसे, ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है। एक ये बहुत गंभीर बात है, इसपे हो सकता है कि मुझे फिर से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट कहे कि आप सम्मान क्या करो, मैं बिल्कुल करता हूँ सब लोगों का सम्मान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन के लिए बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो नहीं मिला, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियां हो रही है, क्योंकि एक बड़ा समूह बैठ के, एक ही जाति धर्म का समूह बैठ के सब लोगों के प्रति अच्छे फैसले नहीं दे सकता, ये हमें लग रहा है। और क्यों इसका कारण बताता हूं, गलतियां सबसे होती है,
हमेशा सुप्रीम कोर्ट की कलम हमारे ऊपर बहुत तेजी से चलती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से चलती है। बाकी इकोनॉमिक रिजर्वेशन का मामला तो वो कह देते हैं अभी स्टे नहीं होगा, अभी तो चलने दो। तो ये गलत है। दो बार गलती हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लें। पहली बार गलती हुई थी उनकी SST एक्ट पे, और ये उन्होंने एडमिट भी किए और अभी कल परसों इस पे भी आया था फैसला, ये सही है और होना चाहिए। SST एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी है, ये कोर्ट का ही फैसला था, तो फिर वो बदला भी गया। लेकिन उसमें हमारा कितना नुकसान हुआ ये बताना जरूरी है। 2 अप्रैल को हम लोग सड़कों पर आए थे, 14 से 15 लोगों की जान गई, इतने हमारे लोगों ने शहीदगी दी और हजारों लोग मुकदमे झेल रहे हैं अभी भी पूरे देश के अंदर। इतना नुकसान होने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पता लगा कि उनसे गलती हो गई, और ऐसा ही उनका फैसला आया था रविदास मंदिर पर, संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में, उस पर फैसला आया था। बाद में उन्हीं का ऑर्डर आया कि बनना चाहिए और जगह भी दे रहे, सरकार से कह रहे कि दो। तो गलतियां हो जाती है, हम मानते हैं गलतियां होगी है। अब पता नहीं क्या हो रहा है कि 9 जज की बैच का फैसला, 2 जज की जो बैच है वो बदल दे रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी आस्था जो है, हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट में बना है और बना रहेगा। उम्मीद है कि वो अपनी गलतियां सुधारे, थोड़ा सा देख लें, चेक कर लें कहां गलती हो रही है। तो ये 2 गलतियां, ये भी गलती है, 16(4)(a) में प्रावधान है प्रमोशन एंड रिजर्वेशन का, पाकड़े मैंने आपको दे दिए कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। हम IAS VCS तो बन जाते हैं हमारे लोग रिजर्वेशन के दम पे, लेकिन वो कभी DIG DGP नहीं बन पाते हैं, DIG नहीं बन पाते, प्रमोशन नहीं मिलेगा। और ऐसा सैकड़ों ऐसे मामले CR में जो रेड कलम चलती है। हम चाहते हैं सब लोगों को बराबर के अधिकार मिले और ऐसी छेड़खानी ना हो, तो माननीय न्यायालय भी इस पर गौर करे। और बाकी तैयारी हमारी है कि 16 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, मंडी हाउस से पार्लियामेंट 16 तारीख को। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।